हेलो एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग फंडा। ऑलरेडी हमने SSD में लैग डिस्टेंस पढ़ लिया है और आज हम ब्रेकिंग डिस्टेंस पढ़ने वाले। फिर जाके हमारा SSD जो है पूरा कंप्लीट होगा ब्रेकिंग डिस्टेंस कंप्लीट करने के बाद। ओके सो लेट्स स्टार्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस। फिर से एक बार और बता दो आपको कि SSD क्या होता है। SSD मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से देख लो। आपने ऑब्स्ट्रक्शन देखा, ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे इस पॉइंट पे, उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया यहाँ पे। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैग डिस्टेंस, मतलब जितना रिएक्शन टाइम लगता है आपको ब्रेक अप्लाई करने में उसको हम क्या बोलते हैं, लैग डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद से जब आपने ब्रेक अप्लाई किया और गाड़ी जाकर रुकी आपकी यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस, मतलब जितना, इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हीकल आफ्टर अप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक। नोट कर लीजिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हीकल्स आफ्टर अप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक बिफोर स्टॉपिंग, मतलब रुकने से पहले। फिर से लिख लीजिए, एक बार और रिपीट करता हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हीकल आफ्टर अप्लीकेशन ऑफ ब्रेक बिफोर स्टॉपिंग, यहाँ पे स्टॉप हो रही ना, बिफोर स्टॉपिंग, और ये बना भी लीजिएगा। ठीक है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस देखते हैं होता है क्या है। इसके दो केसेस होते हैं, सॉरी तीन केसेस, आप कौन कौन से वो मैं बताता हूँ। पहले देखते हैं केस 1। केस 1 क्या है कि सपोज कीजिए कि व्हीकल जो है वो अपवर्ड ग्रेडियंट पे चल रही है। ग्रेडियंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, अब आप समझ लीजिए अपवर्ड का मतलब जो हमारी व्हीकल है वो इस टाइप से ऊपर चल रही है, ऊपर की तरफ चढ़ रही है। ठीक है ना, यू ठीक, मतलब हॉरिजेंटल से ये कितने डिग्री पे चल रही होगी, मान लीजिए थीटा पे, कितने पे, थीटा पे ट्रेवल कर रही है। एनी कन्फ्यूजन? मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इतने पे वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, फर्दर मैं अगर बात करता हूँ तो मान लीजिए यहाँ से ये ट्रेवल करते करते इस पोजीशन पे आके रुक जाती है, मतलब यहाँ पे ब्रेक अप्लाई होता है और यहाँ पे आके व्हीकल जो है वो स्टॉप हो गई। कहाँ स्टॉप हुई, इस पोजीशन पे हमारी जो व्हीकल है वो स्टॉप हो जाती है। अब यही जो हमारा डिस्टेंस बचता है, मान लीजिए, तो इसको और ठीक से बनाता हूँ मैं, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो व्हीकल है वो स्टॉप हो गई। अब ये जो डिस्टेंस है इसके और इसके बीच का, ये हम बोलेंगे क्या है, सॉरी ब्रेकिंग डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस। बेसिकली इसको B से हम डिनोट कर लेते हैं तब याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे आगे रुक गए और इसको हमने क्या बोल दिया, ब्रेकिंग डिस्टेंस बोल दिया। क्या बोल दिया, ब्रेकिंग डिस्टेंस बोल दिया। मतलब ब्रेक हमने कहाँ अप्लाई किया था, यहाँ पे ब्रेक अप्लाइड किया था, अप्लाइड ब्रेक, और व्हीकल हमारी कहाँ रुकी, यहाँ रुकी, व्हीकल स्टॉप्ड। ठीक, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, बी। ठीक है, सपोज किया ये थीटा एंगल है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, इस व्हीकल का वेट लग रहा होगा, वेट हमेशा आपको पता है कि डाउनवर्ड लगता है, तो लेट डब्ल्यू जो है इसका वेट होगा। ठीक है, अब मैं इस वेट का कंपोनेंट लेता हूँ इस डायरेक्शन में, व्हीकल डायरेक्शन में, तो सपोज ये जो डायरेक्शन होगा इसको मैं बोल सकता हूँ, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, ये भी थीटा होगा ना, अगर इसको हॉरिजॉन्टल बना तो ये भी लगा भी थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू साइन थीटा, एनी कन्फ्यूजन? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। व्हीकल इस साइड मूव कर रही है, तो क्या यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा, एफ। ठीक है, ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। व्हीकल जो है इस डायरेक्शन मूव कर रही है तो इसके लॉन्गिट्यूडनली एक फ्रिक्शन लग रहा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। और जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की जो वैल्यू दे रखी है IRC ने, वो कितनी दे रखी है, 0.35। ठीक है, 0.35। वैसे इसकी वैल्यू जो है डिफर भी करती है, मैं बताऊंगा कि कैसे, उसकी पूरी मैं आपको चार्ट लिखवा दूंगा अभी। ठीक है,
याद भी करवा दूंगा। IRC ने वैल्यू दे रखी है 0.35, किसके लिए? 100% इफिशेंसी के लिए, 100% ब्रेक इफिशेंसी के लिए है। याद रखेंगे ब्रेक इफिशेंसी अगर आपकी 100% होगी तो, ठीक है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे अभी हम। ठीक है, अभी यहाँ समझते हैं, ये समझ में आया। हम हमारी जो व्हीकल थी वहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे हमने ब्रेक अप्लाई किया और यहाँ पे आके स्टॉप हो गई। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो हमारी कौन सी डिस्टेंस होगी? ब्रेकिंग डिस्टेंस होगी। अब मैंने ये बताया कि इसका वेट जो है डब्ल्यू यहाँ लग रहा होगा, डब्ल्यू साइन थीटा इसका कंपोनेंट ले लिया हमने, क्योंकि ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है ना, दिख रहा होगा ये वाला एंगल भी थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, और ये क्या होगा डब्ल्यू साइन थीटा। और इस वी स्पीड से जो है हमारी व्हीकल जो है यहाँ से जा रही है, यहाँ तक मुझे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूँ ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट कितना है यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ S%। ग्रेडियंट कितना है? S%। ये निकालेंगे कैसे? मतलब अगर ये हमारा S है और ये हम ले लेते हैं 100, ठीक है, ये हमारा आ गया कि नहीं S%, इसको मैं लिख सकता हूँ S/100। क्या S/100 हमारा टेन थीटा के बराबर होगा? थीटा जो ग्रेडियंट होगा हमारा टेन थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस ही बात होगा, समझ में आ रही बात? तो ग्रेडियंट कितना हो जाएगा हमारा? टेन थीटा या फिर S/100, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू S/100। अब यहाँ से मैं फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मैं यहाँ पे करता हूँ, टोटल रजिस्टिव फोर्स कितना लग रहा है इस पे, ध्यान से देखिएगा क्लियर हो जाएगा, टोटल रजिस्टिव फोर्स कितना लग रहा है इस पे, ठीक है, ये देखते हैं, टोटल रजिस्टिव फोर्स कितना है भाई, टोटल रजिस्टिव फोर्स देखते हैं। पहला तो डब्ल्यू साइंस थीटा और एफ, ये दोनों लग रहे हैं, टोटल रजिस्टिव फोर्स लग रहा है आपका डब्ल्यू साइंस थीटा प्लस एफ, मतलब यही जो है रजिस्ट कर रहा है इसको, आगे नहीं बढ़ने देगा, रजिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। तो कितना फोर्स होगा? डब्ल्यू साइन थीटा प्लस एफ, एफ कैपिटल एफ यानी फ्रिक्शन, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है, इनटू, अब ये जो डब्ल्यू है वो प्लस इनटू एफ इनटू डब्ल्यू कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ कि नहीं, स्मॉल एफ है ये क्या है? रिएक्शन है, ठीक है, क्या है ये? रिएक्शन है, क्योंकि ये क्या होगा हमारा? कॉस थीटा होगा, डब्ल्यू कॉस थीटा ये होगा हमारा, ये वाला जो मैं इसका है डब्ल्यू कॉस थीटा होगा, डब्ल्यू कॉस थीटा, और आपको पता है रिएक्शन क्या होता है? एफ इंटू एन, तो मैं बोल सकता हूँ ये एन लग रहा होगा और इसका ये इस डायरेक्शन में एन लग रहा होगा, ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ एफ डब्ल्यू कॉस थीटा एफ के बराबर होगा, ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो। अब डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? एम जी साइन थी एम जी और साइन थीटा यहाँ पे है ही, और एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ इंटू एम जी कॉस थीटा, यहाँ तक क्लियर? अब इसको हमेशा दिमाग में रखिए, ठीक है, नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूँ, इसको मैं रिमिट डाले जा रहा हूँ, साइड में जगह, चलिए साइड में बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ मैं, कि कितना चेंज इन हमारा काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा? वर्क डन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? वर्क डन के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है भैया? वर्क डन के, है ना, आपको पता है कि वर्क डन के बराबर होगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चाहे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं? बिल्कुल। और वर्क डन कितना होगा यहाँ पे? तो वो हो जाएगा एल इंटू एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा टोटल रजिस्टिव फोर्स, है ना, प्लस एम जी एफ एम जी कॉस थीटा। बात समझ में आई? जो रजिस्टिव फोर्स है उसको अगर हम ब्रेकिंग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे, किससे? ब्रेकिंग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? वर्क डन निकल जाएगा, और वो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जीरो, ठीक है ना, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम वी स्क्वायर होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है वो क्या हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे क्या हो गई, जीरो। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, वो कितने के बराबर होगा, वर्क डन के बराबर। वर्क डन कितना होगा, जो लेंथ है मल्टीप्लाई बाई जो हमने रजिस्टिव फोर्स निकाला है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एल, एम कॉमन ले लो और एम से एम कैंसिल कर देते, हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू बी, हमने बी माना, बाबा एल कर रहा हूँ, बी जी साइन थीटा प्लस एफ जी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये जो थीटा है बहुत ही स्मॉल, इसको इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के। तो साइन थीटा को हम क्या कर देंगे, और कॉस थीटा किसके बराबर हो जाता है, कॉस थीटा वन के बराबर हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, कॉस थीटा वन के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के। अब मैं इसी पॉइंट्स को यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू एल बी, सॉरी बी ए मैंने माना है इसको, जी टेन थीटा प्लस एफ इंटू जी। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, वी को यहीं रख दीजिए, ठीक है, यहाँ से बी इक्वल टू आ जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस को आ जाएगा हमारा वी अपॉन टू जी, जी कॉमन ले लिया, ठीक है, एफ प्लस टेन थीटा। ठीक है, एफ प्लस टेन थीटा, ठीक है, और हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा, एस परसेंटेज। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना आ गया, ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारा आ गया बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू जी एफ प्लस एस परसेंटेज। इसको याद करना है आपको और कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। वो मैंने इसलिए करा दिया था कि कहीं कहीं प्रूफिंग मांग लेता है, कहीं कहीं मांग लेता है कि कैसे आया उसका, ठीक है, डेरिवेशन, इसलिए उसको उतना करा दिया, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अब यूनिट इसका चेंज करते हैं हम, ठीक है ना, जैसा कि हमें पता है कि हाईवे में यूनिट चेंज IRC जो लेता है वो हमसे यूनिट चेंज करके दिया है फार्मूला, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ 0.278, ठीक है ना, वी का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन 250 टू इंटू जी की वैल्यू कितनी होगी, 9.83, 9.81 और मल्टीप्लाई बाई एफ प्लस एस परसेंट। ये प्लस क्यों लिया हमने पता ही है ना, क्योंकि ये कौन सा ग्रेडियंट था, ये था अपवर्ड ग्रेडियंट। ठीक है, अब ये हमारा, इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 254, 254 नहीं आता एक्चुअल में, आता 253.8, ठीक है, 6 प्लस S%, इतना आया। और IRC ने इसको क्या दे दिया, IRC ने कहा भैया आप इतना मत कीजिए, आप डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू IRC, ये IRC का फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसने कहा कि B इक्वल टू आप लेंगे वी स्क्वायर बाई 254, इसको कर लीजिए राउंड ऑफ कर लीजिए, एंड इसको क्या कीजिए, F प्लस S% ही रहने दीजिए। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो V है वो किस में होगा, V होगा हमारा किलोमीटर पर आवर में, और एफ तो आपको पता ही है, जो हमारा बी आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं कुछ केसेस लिखवाता हूँ फटाफट से, उसको नोट कर लीजिएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस का केस है। ठीक है, नाउ केस वन, केस टू एंड केस थ्री यहीं कर दूंगा। केस वन दिख रहा है, केस टू एंड केस थ्री। ठीक, केस वन क्या है हमारा, कि जब हमारी व्हीकल जो है अप द ग्रेडियंट होता, अपवर्ड ग्रेडियंट में हो, ठीक है ना, ये अपवर्ड ग्रेडियंट के लिए होगी, ये हो गई डाउन द ग्रेडियंट, और ये मान लो फ्लैट ग्रेडियंट, फ्लैट ग्रेडियंट के लिए। ठीक, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि अपवर्ड ग्रेडियंट के लिए हमारा जो एस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एस परसेंटेज कितना लेंगे, पॉजिटिव, यहाँ पे हम एस परसेंट होगा वो नेगेटिव लेंगे, और यहाँ पे जो हमारा एस परसेंट होगा वो
जीरो, ठीक है। यानी जब व्हीकल अपवर्ड मूव कर रही होगी तो हमारी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस थी वो हो जाएगी वी स्क्वायर बाई 254 एफ प्लस एस परसेंट, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा वी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ माइनस एस परसेंट, और यहाँ पे एस जीरो हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ। ओके, एनी कन्फ्यूजन? नो, मेरे ख्याल से नहीं। इसका मतलब अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो हमें पता था कि एस एस टी इक्वल टू होता है लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्या होता है? लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, और लैग डिस्टेंस हम पहले निकाल चुके हैं। लैग डिस्टेंस कितना होता है? तो वो होता है 0. अकॉर्डिंग टू IRC, ठीक है ना, 278 वी इंटू TR की वैल्यू 2.5 सेकेंड, याद रखेंगे, प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा अब वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ प्लस माइनस एस परसेंट। ये आपको यहाँ पे फाइनल क्या गया, SST। ओके, आई होप क्योंकि SST समझ में आ गया हो, अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है SSD से रिलेटेड, वो मैं कराऊंगा, और उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस हैं SSD पे वो करा दूंगा। तो अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फटाफट बता देता हूँ, आप नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या है नोट में लिख लीजिएगा, नोट डालिए हेडिंग, नोट में डालिए हेडिंग और लिखिए फॉर सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक। मतलब सिंगल लेन वन वे, सिंगल लेन का वन वे का मतलब ये एक रोड हो गई और ट्रैफिक एक ही तरफ से जा रही है, इधर से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, सिंगल लेन वन वे, सिंगल लेन वन वे के लिए जो SSD होता है वो SSD के बराबर, साइड डिस्टेंस जो होता है वो कितने बराबर हो जाता है SSD के बराबर, किसके बराबर, साइड डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं SSD, मतलब एक ही SSD लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन इधर से तो आ नहीं रहा है, ठीक है। अगर आता तो हम क्या लेते हैं, इसकी वे SSD हमें लेनी पड़ती है, इसकी वे SSD लेनी पड़ती। अभी एक ही साइड से आप जा रहे हो ना, सिंगल लेन है और एक वन वे है, तो आप ही जाओगे और आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखेगा तो आप ही कैसे SSD लेंगे ना। मान लीजिए आगे से उधर से भी कोई अगर आ रहा होता, इस साइड से भी कोई आ रहा था, तो इसकी भी हमें SSD लेनी पड़ती, ठीक है। तो सिंगल लेन में, सिंगल लेन वन वे में SSD आपकी SSD हो जाएगी। लेकिन अगर सिंगल लेन है और टू वे ट्रैफिक हो गया, मतलब दोनों साइड से आ रही, इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही है, तो इस केस में हमारी जो साइड डिस्टेंस होती है वो हो जाएगी 2 SSD। मतलब SSD 1 मान लीजिए इसका और SSD 2, मतलब 2 SSD के बराबर कर देंगे। SSD का मतलब होता है SSD 1 प्लस SSD 2। बस ये याद रखिए, 2 SSD आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और केस है, दो केसेस हो गए, थर्ड केस नोट कर लीजिए। फोर, टू लेन, अब दो लेन है, ठीक है ना, सिंगल लेन नहीं है और टू वे ट्रैफिक है, टू लेन टू वे ट्रैफिक के लिए। तो टू लेन टू वे ट्रैफिक के लिए से मान लीजिए ये लेन है और ये है आपका एक लेन, ठीक, एक लेन दो लेन, एक ट्रैफिक इधर से जा रही है, एक ट्रैफिक इधर से। अब बताइए क्या इसके लिए ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे टू लेन टू वे के लिए जो साइड डिस्टेंस होगी हमारी, साइड डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, वन SSD ही रहेगी, क्योंकि ये इसके बीच में ये नहीं आएगा और इसके बीच में ये नहीं आएगा, ठीक है। आई होप क्या समझ में आ गया हो अच्छे से। कल इसका हम क्वेश्चन कर लेंगे, इसके ऊपर जितने भी SSD के ऊपर जितने भी क्वेश्चन सब हम कल लगा लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।